टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वन पॉइंट फाइव द फाइव किंगडम्स इसका मतलब ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है उनको फाइव कैटेगरीज में या फाइव जो किंगडम्स हैं उनमें डिवाइड किया गया है और वो फाइव किंगडम्स क्योंकि तो जब आपने बायो की स्टडी की बात की तो बायोलॉजी का वर्ड ही लाइफ के लिए यूज़ किया जाता है तो डेफ़िनेटली लाइफ हमारे पास तीन तरह की है प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अब उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट लेवल्स में डिफरेंट पार्ट्स में उनको डिवाइड करना ताकि उनकी स्टडी ईजी हो सके तो सबसे पहले उसको फाइव किंगडम में डिवाइड किया गया ताकि इजीली उनको स्टडी किया जा सके ठीक है द फाइव किंगडम रॉबर्ट विटेकर इन 1969 क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू फाइव किंगडम्स जो हमारे पास रॉबर्ट विटेकर था 1969 में उसने क्लासिफाई किया किसको सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनटू फाइव किंगडम्स में उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में तीनों आ रहे थे ठीक है प्लांट्स एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन उसने उन तीनों को डिवाइड किया फाइव किंगडम्स के ऊपर दिस इज नॉन एज और उसको क्या कहते हैं फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दीज फाइव किंगडम्स आर अब वो किंगडम्स वन बाय वन अपने नेम के अकॉर्डिंग है सबसे पहला जो है वो है प्रोकैरियोटी, प्रोटोटिस्टा फनजय प्लांटी एनिमिलिया। ये पांच कैटेगरीज उसने दी और डिफरेंट उनके नाम दिए सबसे पहला जो आपके पास किंगडम आता है वो है किंगडम प्रोकैरियोटी या मोनेरा। आप इसको प्रोकैरियोटी भी बोल सकते हैं मोनेरा भी बोल सकते हैं ठीक है जो वर्ड आपके पास प्रोकैरियोट है प्रो कैरेट का जो वर्ड है प्रो का मतलब होता है बिफोर कैरेआट का वर्ड जो निकला हुआ है वो न्यूक्लियस के लिए यूज़ किया जाता है कैरेट हम का यूज़ ही न्यूक्लियस के लिए करते हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म ठीक है जिनका जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड प्रॉपर न्यूक्लियर वॉल नहीं होती और उनका मीन के प्रो वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जब स्टडी की गई तो न्यूक्लियस की जब स्टडी की गई उस टाइम पर वो वाले लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जिन की इसके नाम से ही पता चल रहा है ना इसके नाम से ही उन्होंने बताया प्रो मीन बिफोर मीन सबसे पहले जो बिफोर का मीनिंग होता है पहले ना तो मीन जो चीज़ सबसे पहले जो अर्थ के ऊपर जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे पहले जिनका वजूद पॉसिबल हुआ उसके बाद कैरियोट का मीनिंग ही न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस से रिलेटेड कोई ऐसी चीज स्टडी हुई जिसके अकॉर्डिंग प्रो जो कैटेगरी है वो हमारे पास वजूद में आई तो प्रो का मतलब ये है कि आपके पास ये एक सेल है ठीक है ये सेल है और सेल का ये न्यूक्लियस है अगर तो वो न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें हैं जो कि हेडिटी मटेरियल है वो सारा अगर स्कैटर्ड है और प्रॉपर वॉल उसके अराउंड नहीं है तो वो कैटेगरी हमारे पास प्रो कैरेआरस कहलाती है वो वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता और उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो स्कैटर्ड होता है सेल के अंदर मतलब एक प्रॉपर एक जगह नहीं है सेल के अंदर न्यूक्लियस की तो वो कैटेगरी सारी की सारी प्रोकैरियोट्स के अंदर आ जाती है ठीक है दिस किंगडम इंक्लूड आर सेलुलर यूनी का मतलब क्या होता है ठीक है यूनी का मतलब होता है वन सेलुलर सेल वो वाले इस किंगडम के अंदर पहली बात वो करते हैं या तो प्रोकैरियोटिक या मोनेरा जो भी आप इसको पढ़ें इसमें कहते हैं वो वाले लिविंग ऑर्गेनिजम आते हैं जो यूनीसेलुलर है सबसे पहले एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और दूसरी मेन पॉइंट है कि वो माइक्रोस्कोपिक हैं माइक्रोस्कोपिक होने का क्या मतलब है इट्स मीन कि वो हम विदाउट माइक्रोस्कोप के उनको नहीं देख सकते मीन वो हमारे पास नेकेड आई से हम लोगों को नजर नहीं आ सकते जैसे हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमें उसके अपियरेंस शो होती है ये वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोस्कोपिक है मीन कि माइक्रोस्कोप के बगैर इनको नहीं देखा जा सकता फिर उसके बाद कहते हैं दीज ऑर्गेनिज्म लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस ये बात जो मैंने आपको इधर क्लियर की है इनके नाम से ही ना कि ये इन ये वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस जिनका प्रॉपर एक न्यूक्लियस जो है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड नहीं होता एंड अदर ऑर्गेनाइलिज इन साइड देयर सेल और इसके साथ साथ बाकी जो ऑर्गेनाइलिज हैं लाइक राइबोसोम माइटोकंडिया एंडोप्लाजमिक रैटिकोलम लाइसोसोम ये सारी की सारी जो ऑर्गेनालीजें हैं इसके अंदर एबसेंट होती हैं सेल वॉल इज मेडअप ऑफ म्यूरेन उनका जो सेल है उसकी आउटर मोस्ट वॉल जो होती है उसको सेल वॉल कहते हैं ठीक है सेल वॉल क्या होती है आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द प्लांट सेल होती है. एनिमल्स yeah. में सेल वॉल नहीं होती एनिमल्स की कैटेगरी जितनी भी ये जो है इसके अंदर सेल वॉल नहीं होगी प्लांटी के अंदर या बाकियों में जो है हमारे पास सेल वॉल होगी सेल वॉल इज द कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल एनिमल सेल जो है उसके अंदर सेल वॉल जो होती है वो एबसेंट होती है फिर कहते हैं कि दिस सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ म्यूरेन वो म्यूरेन की बनी हुई होती है ठीक है मीन उसकी अगर कंपोजिशन को देखा जाए तो वो म्यूरेन की बनी हुई होगी एग्जाम्पल आज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं बैक्टीरिया बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो हमारे पास हम अपनी नेकड आइज़ के साथ उसको नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती है तो माइक्रोस्कोप यूज करेंगे दैट्स वाई उनको माइक्रोस्कोपिक बोला जाता है यूनी सेलेर है मीन के सिर्फ और सिर्फ एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होता है इनकी पूरी बॉडी जो है एक सेल से मेरे बनी हुई होती है इनके आउटर वॉल जो है मीओर इनकी बनी हुई होती है नेक्स्ट आपके पास आता है सेकेंड जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर आप हम देखेंगे देखिए आप मैंने आपको बताया लाइफ तीन तरह की है ठीक है प्लांट एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो ये बात क्लियर होगी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जो हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से जिनको देखते हैं ठीक है ठीके? नेक्स्ट आपके पास जो किंगडम आता है किंगडम प्रोटेस्टा या प्रोटोटिस्टा द किंगडम इस किंगडम के अंदर सबसे पहले कहते हैं इंक्लूड यू क्रियोटिक यू क्या होता है सबसे पहले इस टर्म को भी समझ लें ठीक है यू यू का वर्ड यूज किया जाता है ट्रू के लिए एंड कैरियोटिक मीन जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कैरियोट से वर्ड ही निकला है कैरियोटिक न्यूक्लियस के लिए वो वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हैं एनिमल हैं या वट एवर सी भी कैटेगरी के हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका अगर जो न्यूक्लियस है वो ट्रू है ट्रू न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि ये अगर सेल है तो प्रॉपर एक उसकी न्यूक्लियर वॉल होगी ठीक है ये न्यूक्लियर वॉल या न्यूक्लियर इनवेलप इसको बोलते हैं होगा और उसके अंदर सारा का सारा न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है मीन एक मखसूस जगह पे पाया जाता है असल के तो उन ऑर्गेनिज्म उन को यूकैरियोटिक कहते हैं ठीक है थीक्या? तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है प्रोटो आ, प्रोटिस्टा की कि किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है दिस किंगडम इंक्लूड इस किंगडम के अंदर वो कहते हैं यूक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं ठीक है वो वाले जिनका प्रॉपर एक न्यूक्लियस होता है विच आर यूजली स्मॉल एंड हैविंग डिफरेंस विद द ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर अदरूक्रियाटिक किंगडम डेफिनेटली कहते हैं ये वाले छोटे होते हैं और दूसरे यूक्रियाटिक किंगडम से ये जो अगले किंगडम्स हैं इनसे थोड़ा सा उनके दरम्यान डिफरेंस भी होता है दे यूजली लिव इन एक्वाटिक हैबिटेट ये हमारे पास पानी वाले हैबिटाट हैबिटाइट में ज़्यादातर रहते हैं चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं वो सारे के सारे किस्में पाए जाएंगे ज़्यादातर पानी में रहते हैं जैसे कि एल जी एल जी हमारे पास छोटे प्लांट्स को बोलते हैं जैसे कि आपने मोस्टली एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं ये बताऊँगी आपको जिसको मली नमा चीज़ बोलते हैं ठीक है आपने देखा होगा पानी के साइडों पे ग्रीन, ग्रीन ग्रीन ग्रीनिश ग्रीनिश जो रबड़ नुमा चीज़ें नमोदार होती हैं वो सारी एल में आती है। स्लाइम हैं स्लाइम मोल्ड्स हैं हमारे पास फिर उसके बाद प्रोटोजोआंस हैं उनमें प्लाज्मोडियम ये जो एनिमल्स की कैटेगरीज आ रही हैं प्लाज्मोडियम है एमीबा है एंड पैरामीशियम है आर सम ऑफ दिस एग्जांपल सम ऑफ़ द एग्जांपल ऑफ दिस किंगडम तो ये इस किंगडम की एग्जांपल्स हैं नेक्स्ट आपके पास किंगडम आता है किंगडम फन ठीक है किंगडम फन जो होता है जिनको आप ये जो मशरूम्स की जो कैटागरी है आपने देखा होगा जब बारिश होती है मोस्टली जो हमारे पास जून जुलाई जुलाई के मंथ में जब जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो उस टाइम पे और दूसरा अप्रैल के मंथ में जब बहुत बारिश होती है तो वो एक अम्ब्रेला टाइप की डिफरेंट स्पीशीज़ हमने देखा है कि प्लांट्स के प्लांट्स वाले एरिया में जहाँ पे जो नमी नमी जिस ज़मीन में होगी वहाँ पर वो चीज़ें अकोपाई करती हैं इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उनका ठीक है अम्ब्रेला टाइप शेप की उन सबको मशरूम्स कहते हैं और किंगडम जो फन जाए है किंगडम फन जाए उन मशरूम्स की कैटेगरी इसको बोलते हैं डेफिनेटली वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिडर हो रही हैं फन जाए इंक्लूड ऑर्गेनिज्म कहते हैं ये वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर ऑल एजूक्रियोटिकूक्रियोटिक का आपको पता है कि इनके न्यूक्लियस की न्यूक्लियर वॉल होती है इनके सेल के अंदर एंड मल्टी सेलुलर मल्टी का मतलब होता है मैनी सेलेलर का मतलब है सेल ये एक सेल के ऊपर मुश्तमिल नहीं करते मीन एक दो तीन चार पाँच ये मल्टी सेलेर हैं कई ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटन डेफिनेटली इनकी भी एक सेल वॉल होती है जो कि काइटन की बनी हुई होती है काइटन एक पॉलीसेकेराइड है हमारे पास शुगर की कैटेगरीज में ये आ रही है कार्बोहाइड्रेट है एक पोलीसेक्राइड मीन पोली मीन मैनी और सेकाराइड्स का जो वर्ड है वो यूज़ ही शुगर्स के लिए होता है ठीक है शुगर्स तो ये हमारे पास एक जो काइटन है वो एक हमारे पास क्या है कार्बोहाइड्रेट है जैसे कि हमारे पास पहला जो ग्रुप था उसकी जो न, वॉल थी वो म्यूरिन की बनी हुई थी ठीक है नेक्स्ट वालों के अंदर जो आपने स्टडी किया कि उनके अंदर ये एक्वाटिक हैं एल वगैरह की जो वॉल है डिफरेंट जो इसमें प्लांट्स और एनिमल आ रहे हैं एनिमल्स में तो वॉल है ही नहीं है जबकि अब आप, आपके पास जो प्लांट्स हैं उनकी जो वॉल बनी हुई होती है वो सेल की बनी हुई होती है जबकि ये जो फंज आए है फन जाए अलग ग्रुप है टोटली इनकी जो सेल वाले वो काइटन की बनी हुई होती है ठीक है दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता क्लोरोप्लास्ट बेसिकली होता क्या है क्लोरोप्लास्ट कहते हैं आपके पास जो पिगमेंट्स होते हैं ये एक पिगमेंट पिगमेंट है ठीक है जो कि हमारे पास इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल वो होता है जो लीव्स के अंदर पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस फोटो के, के लिए के लिए ज़रूरी होता है तो इट्स मीन कि दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है सो इट्स मीन कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड आर देव फॉर हैटीरो अच्छा वर्ड एक और टर्म ये यूज हुई है हेटीरोट्रॉफिक ठीक है देखिए हेटीरो हेटीरो का मतलब होता है डिफरेंट ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड लेवल कहते हैं कि जो आपके पास फन जाए वाला जो ग्रुप है वो हेटीरो ट्रॉफिक है इसका मतलब ये है कि वो अपनी फूड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से लेते हैं ठीक है अगर फॉर एग्जांपल मशरूम्स हैं ठीक है मशरूम्स जो हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एब्सेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते तो वो हैटीरो है एक टर्म और होती है वो भी देखें ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक ऑटो का मतलब होता है सेल्फ ट्रॉफिक का मतलब वो ही फूड लेवल वो वाले ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं ठीक है ऑटोट्रॉफ्स वेयर है जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते है, उनको हेटीरोट्रॉफ कहते हैं सो so, हमारे पास फंजाई जो है वो हेटीरोट्रॉफिक है मीन अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते है. दूसरे लेवल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं द फूड इज स्टोर इन साइड द बॉडी ऑफ द ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ये अपनी फूड को जो फूड लेते हैं किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसको स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर मशरूम्स हैं मोल्ड्स हैं पफ बाल्स एंड येस्ट एक्सेट्रा ठीक है फोर्थ आपके पास किंगडम आता है प्लांटी प्लांट plant से आप मोस्टली फेमिलियर हैं ठीक है दिस किंगडम इंक्लूड मल्टी सेलुलर डेफिनेटली हमें पता है प्लांट की ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम देखें तो वो कई सेल से मिलकर बना हुआ होता है इजू क्रियाटिक है वो बात भी आपको पता चल गई कि उनका जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर एक शेप के अंदर है और उसकी न्यूक्लियर इन्वेलप है विच आर ऑटोट्रॉफिक ऑटो मीन सेल्फ मैंने पहले भी बताया सेल्फ मीन अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं देयर सेलवाल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज उनकी जो सेलवॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है एंड मोस्टली लेक सेंट्रियोल और इनके अंदर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते इनसाइड देयर सेल द रिजर्व फूड इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और इसके अंदर जो फूड जो हमारे पास स्टोर होती है वो स्टार्च की फॉर्म होती है जो कि पहली जो स्टार्च हमारे पास बनती है वो ग्लूकोज बनती है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ये हमारे पास ग्लूकोज है जो कि सबसे पहले प्लांट बनाता है अपने पास एग्जाम्पल्स आर ब्रेसिका ब्रेसिका सरसों के पौधे को कहते हैं मलबरी हमारे पास शैतूत के पौधे को कहते हैं पाइनस आप फेमिलियर हैं चीड़ के दरख्तों को बोला जाता है फर्न वगैरह जो हैं ये हमारे पास टेरिडो फाइट्स एक ग्रुप होता है प्लांट का उसकी कैटेगरीज है फर्नस वगैरह ठीक है लास्ट में आपके पास जो लास्ट फिफ्थ आ रहा है वो है किंगडम एनिमिलिया एनीमिलिया में हम भी आ रहे हैं ह्यूमंस भी आते हैं ठीक है थीके? जैसे कि हम अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि हम प्रिपेयर फूड को लेते हैं किंगडम एनीमीलिया दिस किंगडम इंक्लूड, इंक्लूड मल्टी सेलेर डेफिनेटली मल्टी मीन मैनी सेलर मीन सेल एंड यू क्रियोटिक वही बात है कि उनका प्रॉपर एक न्यूक्लियस है ऑर्गेनिज्म विच आर हेटीरोट्रॉफिक हटीरोमीन डिफरेंट हटीरोट्रॉफिक इन अ नेचर दीज ऑर्गेनिज्म सेलवॉल प्लाट्स के अंदर सेलवॉलॉल होती है एनिमल्स के अंदर सेलवॉल नहीं होती लेक सेलवॉलॉल एंड सेंट्रिक जबकि जो प्लांट्स में है उनमें सेंट्रिकल एबसेंट होता है प्रेजेंट प्रेजेंट होता है, विच आर इन सेल। रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन की फॉर्म में रिजर्व फूड जो है वो स्टोर होती है मेंबर ऑफ दिस किंगडम कैन बी स्प्लिट इन टू टू ग्रुप इनको दो ग्रुप्स में एनिमल्स को डिवाइड किया जाता है वर्टी एंड इन वर्टीब्रेडीब्रेड आर दो विच हैोन एंड इनवर्टिब्रेड आर दो विच हैव नो बैकबोन जिनकी बैकबोन नहीं होगी उनको इनवर्टिब्रेट बोला जाएगा जबकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके प्रॉपर एक बैकबोन होती है ठीक है एनिमल इंक्लूड जैली फिश वॉम जैसे कि जैली फिश है या जो जो कीड़े हैं इंसेक्ट हषरात हैं ये हमारे पास जो है इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरीज हैं ठीक है इनको इनवर्टी ब्रेड्स की कैटेगरी में रखा जाता है जबकि फिशेज रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स ये सारी की सारी जो हैं वर्ल्ड टीब्रेड्स हैं बिकॉज इनके अंदर बैकबोन होती है ओके थैंक यू